दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो आइए हर एक खबर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उससे पहले अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 700 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे कम पैसे में बेहतर तैयारी का मौका, तो आइए उस प्लेटफॉर्म को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो कि पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए, उनके नंबर बढ़ जाएं, उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। आपको मालूम होगा कि 60,244 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, बार बार जारी नहीं होगा। 5 साल में एक बार जारी होता है, 6 साल में एक बार जारी होता है, तो यह अवसर आपके लिए सीमित है। 25 तारीख से 28 दिसंबर के बीच में अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो आपको ₹224 में और पास प्रो लेते हैं तो ₹314 में 1 साल तैयारी करने का मौका है। पुलिस भर्ती की तैयारी करिए, एसएससी जीडी की तैयारी करिए, यानी कि ₹314 में आपको 1 साल 700 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज करें, टेक्स्ट बुक से जुड़े, तो आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी परचेज कर ले, क्योंकि उसके बाद इसका प्राइस 699 या 1099 या 1599 हो सकता है। तो अभी जाइए परचेज करें और ₹314 में 1 साल तैयारी करने का मौका। ये पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद शिक्षक भर्ती का पुराना विज्ञापन अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग की गई है। इससे फायदा क्या होगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बीच प्रतियोगी छात्रों ने जो मांग उठाई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व में जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को अपडेट करने की मांग की गई है। कहा है कि जुलाई 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर तथा जून 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाली युवाओं की संख्या बढ़ गई है, साथ ही कॉलेजों में रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में विज्ञापन को अपडेट कर दिया जाए, रिक्त पदों को जोड़ दिया जाए और आवेदन के एक अवसर दिया जाए जिससे सभी का भला हो सके। अब क्या आवेदन की संख्या बढ़ने वाली है, पदों की संख्या बढ़ने वाली है, क्या आवेदनों की संख्या बढ़ने वाली है? जब आवेदन पुनः कराए जाएंगे तो आवेदनों की संख्या बढ़ने वाली है, तो क्या परीक्षा समय पर हो पाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे भी चुनाव के पहले परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और मैं आपको बता दूं, सरकार अभी तक की जानकारी के अनुसार पुनः विज्ञापन संशोधित कर या अपडेट कर आवेदन लेने के मूड में नहीं है। तो पहले नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई अपडेट होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार जो कर रही है वह काबिले तारीफ है। बिहार सरकार के द्वारा एक से एक बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा रहा है। जो मुहर लगी है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है जो कि मेरे द्वारा पहल किया गया था, मेरे द्वारा जो जो बताया गया, जो जो भविष्यवाणी की गई, आज तक सही साबित हुई। आपको मालूम होगा मेरे द्वारा पहले कहा गया था, जब आप लोग प्रयास कर रहे थे, हमने कहा आयु सीमा में छूट नहीं बढ़ेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिली। जब विज्ञापन जारी हो गया उसके बाद मेरे द्वारा कहा गया 24 घंटे में आयु सीमा में छूट मिलने वाली है, थोड़ा प्रयास करिए। आप चैनल पर वीडियो अपलोड है, जिस दिन
आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिला है, उसके 1 दिन पहले मैं वीडियो बनाया हूं। अगर मेरी बात गलत हो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करना, डिसलाइक करवाना, कभी इस चैनल से मत जुड़ना। डंके की चोट पर कोई जानकारी देता हूं, डंके की चोट पर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी है, EWS अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए। इन्हीं 2 की बात मेरे द्वारा की गई थी, तो एक बच्चे ने कहा कि आपको ओबीसी एससी से जलन है। भैया ओबीसी एससी को 5 वर्ष का अधिकतम छूट मिलता ही है, सामान्य वर्ग और EWS को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने EWS और जनरल कैटेगरी की बात की थी। जाकर पहले चैनल पर वीडियो अपलोड है उसे देखिए, उसके बाद कहिएगा कि सर आपने जो बताया वह हुआ नहीं। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा सेवा आयोग में बदली गई व्यवस्था। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था बदली गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा केवल संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक निर्धारित किए गए हैं, साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूँ। अब यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा 11 फरवरी को होगी, मैं कह रहा हूं कि 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली थी, लेकिन सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और उम्मीद की जा रही कि 25 लाख आवेदन होंगे। जैसा कि नोटिस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे तो लगता है 30 और 35 लाख ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर 25 लाख प्लस यानी कि 30 लाख 35 लाख कुछ भी पहुंच जाए, उसके आस पास पहुंच जाए, या 25 लाख से 27-28 लाख पहुंच जाए, तो 11 तारीख को परीक्षा हो पाने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। शासन स्तर पर एक बैठक चल रही थी कल, और मेरे द्वारा आपको जानकारी कल की वीडियो में दिया गया है, पूरा वीडियो सुनेंगे पूरी जानकारी मिल जाएगी, मात्र 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का। उसमें बताया गया था कि 18 फरवरी की परीक्षा पर मंथन हो रहा है, उसमें भी संशय बना हुआ है। अगर 25-30 लाख अभ्यर्थी हो जाते तो 1 दिन 1 पाली या 1 दिन 2 पाली में परीक्षा हो पाने की संभावना कम है। ज्यादा सेंटरों की आवश्यकता होगी, जबकि ज्यादा सेंटर नहीं मिल पा रहे तो 2 पाली में यह परीक्षा कराई जा सकती। कब? 2 पाली में परीक्षा कराई जा सकती है। अगर सेंटर की व्यवस्था नहीं हुई, सेंटर खाली नहीं मिले, क्यों बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, अगर सेंटर खाली नहीं मिले तो यह परीक्षा चुनाव के बाद चली जाएगी। तो देखते हैं कि 18 फरवरी और 11 फरवरी में सेंटर की व्यवस्था हो पाती है या नहीं। वैसे 11 फरवरी को नहीं हो पा रहा, 18 फरवरी पर मंथन चल रहा है, तो 18 फरवरी को परीक्षा हो पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आप हमसे जुड़े रहे, पल पल की अपडेट मैं आपको दूंगा। अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पल पल की अपडेट सबसे सटीक दूंगा, फर्जी खबर नहीं दूंगा दिन भर पुलिस भर्ती करता रहूं, नहीं। जब 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, 90% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, तब मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें पूरी जानकारी के लिए। जय जवाहर, नमस्कार।